चलिए देखो बेटा, मैंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया था, प्रोटॉन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जो एटम है ना, एटॉमिक थ्योरी जो भी दी गई है, इसके मॉडल्स भी हैं। बेटा पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 179। स्लाइड नंबर आपको मैं बताऊं, हाँ वहीं पे रहिए। तो जी नहीं, नीचे वाला थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम देखेंगे। थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम क्या था? जे जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ द एटम इन 1903। जे जे थॉमसन ने 1903 में मॉडल प्रपोज किया। देन ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वर नोन टू बी प्रेजेंट इन एटम। तब तक 1903 तक केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही फाइंड आउट किया गया था। मतलब कि एक एटम के अंदर दो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहा गया। 1903 तक वही जानते थे, न्यूट्रॉन पता नहीं था उसको, ठीक है। नोन टू बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। एक गोले की तरह, एक स्फीयर की तरह कोई भी एटम होता है जिसके अंदर तो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का, और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है माइनस चार्ज वाले से, ठीक है। थॉमसन मॉडल का ऐसा का तैसा, जो चीज आउटडेटेड है क्यों पड़े। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेचर ऑफ एटम बट इट कुड नॉट। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, थॉमसन वाले को रहने देते हैं, रादर फोर्ड चचा को देखते हैं। नहीं पेपर में इसमें बहुत सारा चीज नहीं आएगा, लेकिन जो आपको नॉलेज चाहिए वो नहीं रहेगा तो परफेक्ट नहीं बनेगा। एक और चीज बता देते हैं, रदर फोर्ड्स वाले पैक है, और उससे पहले है ना, दो चार लाइन ऊपर एक ब्रॉड लाइन में लिखी है चीजें। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट। बकवास। रदर फोर्ड इन अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इन्होंने खुद से नाम दिया था, ठीक है ना। ये कौन थे इससे ऊपर, थॉमसन चचा जो थे, उन्होंने ये सारी चीजें दी थी। बता रहे थे तो अल्फा पार्टिकल रेफर्स टू प्रोटॉन और बीटा पार्टिकल रेफर्स टू नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर हो गया। अल्फा इलेक्ट्रॉन और बीटा प्रोटॉन या प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड सबसे ज्यादा रेलेवेंट है जिनके बारे में हमको जानना है। रदरफोर्ड एक्सप्लेन क्या होता है सर? जी रेलेवेंट रेलेवेंट मतलब प्रासंगिक, जो आज के डेट में भी जिसका महत्व बना है, ठीक है। अब देखिए, रदरफोर्ड्स आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट बिकम क्लियर दैट एन एटम इज मेड अप ऑफ दिस थ्री सबस्टांस पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल। जब अभी रदरफोर्ड ने जब ये दिया, तब तक क्लियर हो चुका था कि एक एटम में ये तीन तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, अब कोई समस्या ही नहीं थी। एक्सपेरिमेंट वर देन कैरिड आउट टू फाइंड आउट हाउ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर अरेंज्ड इन एन एटम। अब एक्सपेरिमेंट बस इस चीज की हो रही थी कि एक एटम में तीन चीज तो है हमें पता है, ये तीनों चीज किस तरह से अरेंज रहती है, आखिर उसमें टिकी कैसे रहती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट वॉज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस इन द एटम कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अरे रखना नहीं है इसको, अगले चैप्टर करें, आगे और चैप्टर्स पढ़ लीजिए। जब तक इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया,
कि अल्फा पार्टिकल जो एटम के अंदर होते हैं वो बिखरते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। ये क्या था? पिक्चर भी सामने है, आप पिक्चर देखिए, मैं आपको यह समझाऊंगा। विच अब व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल आर अलाउड टू स्ट्राइक अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल इन वैक्यूम इट इज फाउंड गोल्ड का फॉइल पेपर हो, जैसे रोटी लपेटने वाली एल्युमिनियम की फॉइल पेपर होती है ना हम लोग, उस पे पॉजिटिव चार्ज वाले मतलब प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल होते हैं अल्फा पार्टिकल का गोल्ड का होता है। अब एक्सपेरिमेंट वाला मैं बता रहा हूं और घर पे रोटी लपेटने वाली एल्युमिनियम की होती है। तो यहां पर एक गोल्ड का फॉइल पेपर लिया गया और अल्फा पार्टिकल्स की उसमें बमार्डमेंट की गई, मतलब कि स्ट्राइक किया गया। तो ऑब्जर्वेशन देखिए क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। गोल्ड फॉइल पेपर को जितने भी अल्फा पार्टिकल थे बिना डाइवर्जन के पास कर गए, जैसे कि एक मीडियम से। और ये याद रखिएगा, ये जो फॉइल पेपर था गोल्ड का वो वैक्यूम में रखा गया था। ओके, देयर विल बी नो एनी एयर, किसी स्पेस से एयर को निकाल करके वहां वैक्यूम क्रिएट किया गया किसी भी डब्बे या कंटेनर में और वहां पे स्ट्राइक कराया गया। क्लियर है ना? वहां वैक्यूम था और जब वैक्यूम में फॉइल पे गोल्ड फॉइल पेपर से अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया गया तो उसके दूसरी तरफ जो अल्फा पार्टिकल के जो रेस थी निकली वो बिना डिफ्लेक्शन के, मतलब सीधी आर पार बिल्कुल सीधी सीधी हो गई। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड अ फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। इसमें कुछ मैंने मोस्टली निकल गए, कुछ ऐसे भी थे पार्टिकल ठीक है जो कि थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, मोस्टली तो सीधे सीधे निकल गए, कुछ थोड़ा सा एंगल बना के तिरछे बाहर जाने के बाद एंगल बन के निकला उनका, मतलब आगे जाके टेढ़े हो गए। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? और कुछ ऐसे थे जो ज्यादा अमाउंट में डिफ्लेक्ट हो गए। तीन तरह का ऑब्जर्वेशन देखा आपने, कुछ सीधे सीधे निकल गए, कुछ का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हुआ कम एंगल बना करके, और कुछ से ज्यादा एंगल पे टेढ़े हुए बाहर डिफ्लेक्ट हुए। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन निकला, इट मींस किसी भी एटम के अंदर तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? देखिए आगे क्या लिखा है, अ फ्यू अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रीबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल एंड टर्न बैक ऑन देयर पाथ। और कुछ ऐसे भी थे जो टकराए और सीधे जैसे टकराए वैसे लौट करके आ गए। समझ रही बात आपको? ठीक, एक सेकेंड में दीजिए। एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट वेट करो। कोई बात नहीं बेटे, जीके में आप लोग को स्वाद आ रहा है ना, तो आप लोग को है ना ये क्या कहते हैं, बोरिंग के पानी में नहीं गंगा जी में डुबकी डलवा देंगे। थोड़ा वेट करिए, एक दो दिनों तुझे किसी नहीं आ रहा है तो, बेटे नहीं आ रहा है तो आपको सीखने का मौका मिला, यही तो मेरा प्रयास है। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग वे। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ये तो सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो आया वो दिखाया, रदरफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया, समझ में आएगी बात। एक गोल्डन फॉइल पेपर को वैक्यूम में लगाया गया, उसके साथ अल्फा पार्टिकल अल्फा रे थी उसको पास कराया गया, कुछ लाइट बिल्कुल पार निकल गई, कुछ थोड़ी एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, कुछ ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई और कुछ तो बिल्कुल आर पार गई ही नहीं, बाउंस बैक हो गई। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड कहते हैं कि गोल्ड फॉइल इज मेड अप ऑफ एटम, गोल्ड भी तो एटम का ही बना होगा ना, गोल्ड का भी तो एटम होगा। इफ द एटम्स वर सॉलिड थ्रू आउट देयर वॉल्यूम
then every alpha particle strike them should have changed its paths and got deflected. Since most of the alpha particle pass straight through the gold foil without any deflection, it shows that there is a lot of empty space in that. अगर टोटल का टोटल गोल्ड का हिस्सा, वो जो फॉइल पेपर था या गोल्ड का जो एटम है, अगर उसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, ठीक है, तो टकराता और लौट जाता। किसी के आर पार जाने का मतलब क्या है बेटे, कि उसके बीच में कुछ खाली जगह है। अगर आप स्ट्रेनर जो होता है चाय छन्नी से चाय छानते हो तो वहां पे जी दो आप मतलब नदियां और दो मतलब की दो, तो दो नदियों के बीच की जगह, दो नदियों के बीच की भूमि। अरे टीचर गोबर है भैया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिंदा है कोई बात अच्छा वो सर हमारे वैसे तो हमारी मैडम भी नहीं है, हमारे मैडम तो देखने तक। चलिए क्लास देखते हैं, अभी लो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग को 5 मिनट शिकायत का है ना, एक यहाँ पे जनता दरबार लगाई जाएगी। देखिए तो ये बात क्लियर हो गई कि गोल्ड के फॉइल पेपर से कुछ लाइट बिल्कुल आर पार निकल गई, इसका मतलब देयर विल बी सम स्पेस बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम इनसाइड एनी पार्टिकल। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के या एलिमेंट के एटम में सब एटॉमिक पार्ट्स के बीच में स्पेस जरूर है, तभी तो लाइट आर पार निकली है। पहला चीज क्लियर। दूसरा, we know that similar charges repel each other. अगर सेम चार्ज हो तो रिपेल हो जाएगा, अगर प्लस प्लस का कनेक्शन हो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगी, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आपने कोई मैग्नेट लिया है तो नॉर्थ नॉर्थ अगर सेम कर देंगे पोल तो रिपेल, साउथ साउथ तो रिपेल। तो वही कह रहे हैं कि सेम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो होगी वो रिपेल करेगी। द ऑब्जर्वेशन दैट सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल शोज दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम व्हिच रिपेल द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल एंड डिफ्लेक्टेड देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। मतलब कि किसी भी एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाला कोई चीज होगा जिसने कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल, क्या था पॉजिटिव चार्ज वाला, इसको रिपेल, डिफ्लेक्शन मतलब टकरा करके मतलब डिफ्लेक्ट हो जाना या लौटना, मतलब क्या हुआ रिपेल करना, डाइवर्ट हो जाना। ओके उसके बाद वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली रीबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल शोज दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड which does not allow the alpha particle to pass through. इसका जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा बिल्कुल सेंटर का हिस्सा, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड और डेंस होगा, देर विल बी नो एनी टाइप ऑफ स्पेस, कोई स्पेस ही नहीं है वहां, कोई रास्ता नहीं है, टकराएंगे तो पूरा का पूरा आपको लौटना। ठीक है, तो अब ये पूरे के पूरे रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसको देख करके हम क्या बता सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। किसी भी, ये बोल रहे रदरफोर्ड बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, रदरफोर्ड ने बताया अपने स्कैटरिंग थ्योरी में कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। क्लियर है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड, जो न्यूक्लियस होगा किसी एटम का डेंस होगा और हार्ड होगा। तीसरा बात क्या कहा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज अ होल। एक एटम के पूरे साइज के हिसाब से देखें तो जो उसका न्यूक्लियस होगा वो बहुत ही छोटे साइज का। क्लियर है, न्यूट्रॉन नहीं, ये रदरफोर्ड चचा बोल रहे हैं उनके हिसाब से, जो बिल्कुल सेंटर किसी भी एटम का सेंटर वाला हिस्सा उसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को देखते हैं, the nucleus is a small positively charged part of the center of an atom,
एटम के सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच जो हार्ड और डेंस पार्ट होता है किसी एटम का, उसको उसके एटम का न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस कंटेन ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Therefore, almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है, वेट, उसके न्यूक्लियस पे ही कंसेंट्रेटेड होता है. ठीक है, क्योंकि मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होंगे, सॉरी प्रोटोन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटोन न्यूट्रॉन, मैं गलती से इलेक्ट्रॉन बोल गया. जो भी एक एटम के अंदर का प्रोटोन और न्यूट्रॉन होगा वो उसके न्यूक्लियस पे ही कंसेंट्रेटेड होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट. प्रोटॉन अंदर है तो पॉजिटिव चार्ज है. द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. एक न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होगा वही डिसाइड करेगा कि उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है. The neutron, which are also present in the nucleus, have no charge. जैसे आपको पता है, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है. ये चार्ज किसका है? प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज. They are neutral. वो न्यूट्रल होते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टेकन टूगेदर आर नोन एज न्यूक्लियॉन. अगर किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बाहर निकाल लो तो उसको न्यूक्लियॉन कहा जाएगा. न्यूक्लियॉन, दोनों को कंबाइंड एक साथ नाम दिया गया है. Because they are present in the nucleus, क्योंकि दोनों nucleus से present रहते हैं. The volume of the nucleus of an atom is very small as compared to the volume of an extra and nuclear part of the atom. Nucleus, किसी भी atom के अंदर का nucleus बहुत ही छोटे size का होता है. Nucleus के बाद जो उसके चारों तरफ का जो भी area होगा एक atom का, उससे तुलना करें तो वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है. ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज एन एटम हु वाज शोन बाय द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड. ये तुम्हें पता ही है. चलिए, समझ में आप लोगों, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटोन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, आप रदरफोर्ड थ्योरी को फॉलो कर लो जो उन्होंने दिया था, वही सबसे एडवांस. इसमें भी बहुत सारा चेंज आया है, देखते हैं. नहीं नहीं, इस बेटा इंडिया में इतना थोड़ी एडवांस अभी टीचर लोग पढ़ाएंगे. अभी 10 साल तक भी कोई चेंज होगा तो थोड़ी छाप के आने वाला है. कुछ डाटा चेंज होता है बेटे, साइंस में कुछ ही थोड़ी होता है. आप कुछ लिख के आ जाइएगा ना तो आपके मास्टर का क्या कहते हैं, खोपड़िया से टक जाएगा. का ये कैसे लिखी हो, ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, दिखाए तुमको. जीरो दो बोर्ड में तो गलती भी मत करिएगा. एनसीईआरटी माय बाप, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है मतलब कि सरकारी कागज है. बोर्ड में तो हम सलाह भी नहीं देंगे, अपना ज्ञान आप विशेष लगाइएगा. आप अपना ज्ञान है ना कहीं भी नहीं लगा सकते, सिस्टम ही ऐसा है, फेल हो जाएंगे आप. ईगो प्रॉब्लम. आपका जो प्रोफेसर है आईआईटी में, अगर आपने कुछ इन्वेंट किया, कुछ बनाया ना, और मारा चेला गुरु से भी आगे, लीजिए काम खराब. और कुछ टीचर अच्छे हैं तो होता भी. वहां पे फॉरेन में क्या है ना बेटे कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं. आप टैलेंटेड हो मतलब कि आप सबसे बड़े, बस एक सी बात. हाँ, लेकिन एक बात याद है, वहां पर भी थ्योरी चोरी की जाती है. तो वहां पर कौन सा इंडिया के लोग जाके इन्वेंशन करते हैं? ये नासा में कुछ ही बनता है, नाम नासा का होता है और इधर होता है. तो मैंने कुछ आप लोग को बताया था, सोच रहा हूँ कि सुन लो. मेमोरी टेस्ट. माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किसने मेजर किया था? किस इंडियन, किस बंगाली मैथमेटिशियन ने? बंगाली के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम, इसका मतलब पता है क्या है? आप लोग का न्यूरॉन है ना अब टाइट होना स्टार्ट हो गया है दिमाग का. मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं कर रहा. फ्लेक्सिबिलिटी ब्रेन की कम हो रही है आप लोग. जो भी समझो,
इतना याद है सब लगे। और बेटे एक बात याद रखना, हमने भी 10 बार नहीं देखा है, तो हमारी उम्र कम हो रही है, आप लोग ज्यादा बुढ़े होते जा रहे हैं। बताइए, बालों की सफेदी पे ना जाए। सिकंदर, सिकंदर का बड़ा भाई सिकंदर याद कराया था ना? आप लोग किसी भी चीज को अगर रटना हो ना, तो एक फॉर्मूला याद रखना, उसका कोड बना लो। सिकंदर का बड़ा भाई है, सिकंदर का बाबू, सिकंदर का ताऊ, जो जितना फनी बना सकते हो, सिकंदर का जीजा तक बना दो आप लोग, कोई टेंशन नहीं। जितना ज्यादा फनी बनाओगे वो दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। याद रखना आज का डेट, मैं अगले मंडे अगले हफ्ते फिर यही चीज पूछूंगा, सिकंदर का जीजा बाबू कुछ ही बना, ठीक है ना? याद रहेगा आपको। हाँ, ईयर 1800 कुछ में था, 78 या 48 में था, उतना याद नहीं आ रहा। सिकंदर उसके पहले कुछ है, तो उतना नाम याद नहीं करते ना, बस आगे का कुछ भी याद कर लो। अधूरा, तो आप ऑप्शन दीजिए, पूरा आ जाएगा क्या? ये क्या मतलब हुआ? आप देखिए मेरी बात सुनिए, रटने वाले चीजों को ट्रिक से रख सकते हैं। अब देखेंगे, अभी रदरफोर्ड की आपने केवल वो स्कैटरिंग थ्योरी सुनी, अब रदरफोर्ड चचा का मॉडल ऑफ द एटम सुनिए। उन्होंने एटम का मॉडल दिया, और वो क्या था? एन एटम कंसिस्ट ऑफ, ये पांचों के पांचों पॉइंट है ना, आपका लाइफ होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए, ये नहीं कि रट जाइए। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, ये कमाल का लड़का यार, फिर ये स्किप कर गया ज्वाइन करके, खाली बाबू से पैसे दिलवा रहा है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑल द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है? एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड वाला मतलब एक एटम एक ऐसे न्यूक्लियस को अपने अंदर रखता है जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, डेंस है, हार्ड है, और उसके साथ साथ उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी होता है, क्लियर है? और यह भी इसमें बताया गया इन्होंने कि जो एंटायर मास है पूरे एटम का, एक एटम का जो भी मास होगा उसके न्यूक्लियस में ही कंसेंट्रेटेड होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या होगा? नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन होगा। द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग around the nucleus in circular path at very high speed. These circular path of the electron are called orbit. Electron nucleus के चारों तरफ circle में, circular path में, मतलब कि गोलाकार जो भी उसका orbit होगा, बड़े ही तेजी के साथ, बहुत ही high speed के साथ revolve करता है। कौन करता है? दीपक आंखें बता देती है कि आप आंखें बता देती है कि आपका ध्यान नहीं, मेरे से भी हो जाता है ऐसा। जैसे मैं कोई बात सुन रहा हूं ना, तो मैं सुन रहा हूं लेकिन कभी कान के अंदर नहीं जाती, वो मैंने फोकस नहीं होगा। आप बताइए रिवॉल्व कौन करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ, पता चल जाता है ना। इलेक्ट्रॉन बेटा बताया ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो हम तो आप लोग को पता था ना, आप लोग को पता है, सबको, तीनों को पता था कि पता है। देखिए कोई बात नहीं यार, जस्ट चिल, पानी पियोगे? किस चीज का पेपर खतरनाक था? एसएसटी का पेपर, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों, मैं एसएसटी का पेपर खतरनाक 60 क्वेश्चन आते थे, पर मेरे को जिसमें ज्यादा अच्छे कॉन्फिडेंस थे ना, वो 40 करके आए। आप कितने करके हैं? 50 अच्छे किए हैं ना? हां सर, सारे किए, थोड़ा है। तो फिर क्या दिक्कत है यार? अच्छा दिमाग ज्यादा खा गया। खा जाने मन ही नहीं कर रहा करने का। हो जाता है बेटे, स्कूल में से सीधे ही का। समझ गया बेटे मैं आपकी बात। मैं भी बेटे खाना मैंने भी नहीं खाया था, और मैं तो आगरे से सीधे आ गया। ब्रांच का राष्ट्रगीत कौन सा था? एक सेकंड,
ऑप्शन क्वेश्चन दिखाई क्वेश्चन दिखाई अपना उसमें तो आंसर ही है बेटे उनका नाम अटपटा सा है ना याद नहीं रहा इतना इजी है ना चलो